नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों आज हम बना रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सी हैंडबैग और इसे बनाना बहुत आसान है। तो आज मैं आपको इसका पैटर्न कटिंग करना भी बताऊंगी और इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये है डबल फोल्डेड पेपर और डबल है ये, और अब हम इसको फोर फोल्ड में फोल्ड कर लेते हैं। मैं जो आपको फ्री पैटर्न कटिंग करना सिखा रही हूँ उससे आप छोटा बड़ा साइज आप खुद मेंटेन कर सकोगे, ठीक है। अब ये फोर फोल्ड में हो गया ना, इस तरफ ओपन वाली फोल्ड है और इस तरफ फोल्डेड साइड है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है कि हम हर किसी भी साइज का आप यहाँ पे अपना हेड फर्स बना सकते हो। तो यहाँ पे हम जो हेड फर्स की जो नीचे की चौड़ाई है वो 11 इंच रखेंगे, 12 इंच रख सकते हैं आप, या जो भी आपको जितना बड़ा आपको बनाना हो तो उस हिसाब से आप रख सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम चलिए 6 इंच 12 इंच रख लेते हैं। तो ये मैंने 6 इंच पे पॉइंट लगा दिया, ठीक है। और जितना हमें फर्स बड़ा बनाना हो, जैसे हम यहाँ पे 10 इंच का बना रहे हैं तो ये हो गया यहाँ पे 10 इंच, ठीक है। यहाँ से हमने 6 इंच लिया है तो यहाँ से हम लेंगे 5 इंच, ठीक है। और यहाँ से हम 2 इंच और आगे बढ़ाएंगे इसको, और यहाँ से हम इसको 4 इंच आगे बढ़ा लेते हैं। टोटल हो गई इसकी लेंथ 10 इंच ना, हाँ 10 इंच, ठीक है। 2 इंच और ये 4 इंच, टोटल हो गई है 6 इंच। पूरा मेजरमेंट मैं आपको बताऊंगी। यहाँ से हम इसको 2 इंच ऊपर लेंगे और यहाँ से भी हम 2 इंच ऊपर एक पॉइंट लगा देते हैं और इसको भी हम इस तरह से मिला देते हैं। ठीक है, और इसको हम 2 इंच नीचे लेंगे, ये पॉइंट हो गया नीचे का, और यहाँ से हम 2 इंच इसको भी आगे लगा देते हैं। ये होगा इसका सेंटर पॉइंट और ये होगा इसका सेंटर पॉइंट, ठीक है। और इसको हम इसमें मिला देंगे क्योंकि हमें इसको बिल्कुल बराबर में कटिंग करना है, और बिल्कुल बराबर में ही हम फोम सीट कटिंग करेंगे। जो फैब्रिक होगा उसको हम एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, वो भी सीम के लिए, ठीक है। अब इसको भी हम यहाँ पे ऐसे मिला देते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। अब ये देखिए बीच का स्पेस कितना रह गया है, ये 6 इंच रहा है, तो 6 इंच, 2 इंच ये और 4 इंच ये दोनों कवर कर लेंगे। सिम सिलाई आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। सॉरी, ये इसको हमें यहाँ से ऐसे मिलाना है, हो गया है। अब ये हमारा पैटर्न है बैग का, जो बस यही समझना, 4 इंच इस तरफ आगे लिया है, 2 इंच इस तरफ आगे लिया है, दोनों इस तरफ आएंगे तो 2 इंच ये कवर हो जाएगा, 4 इंच ये कवर हो जाएगा, 6 इंच कवर हो गए आपका बैग। आपको कुछ भी ज़्यादा जॉइंट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी, बहुत आसानी से हम इसको बना पाएंगे। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने पैटर्न को कटिंग कर लिया है और हमारा पैटर्न इस तरह से होगा, ये देखिए बराबर में कटिंग हो गया है, ये देखिए। और इसके क्वार्टर क्वार्टर इंच एक्स्ट्रा हम फोम सीट और फैब्रिक कटिंग कर लेते हैं, जिस भी कपड़े का हम यूज करेंगे वो कटिंग कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो मैंने इसको क्वार्टर क्वार्टर इंच इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, चारों तरफ से क्वार्टर इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ आप देख सकते हो। ये है इसका मेन और ये है एक्स्ट्रा, ये है मेन लाइन और ये एक्स्ट्रा, तो सभी से सिलाई का एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो अब हम पैटर्न को अलग कर देते हैं और बिल्कुल फोम सीट के बराबर के अंदर हम फैब्रिक को कटिंग कर लेते हैं। आप देख सकते हो ना कितना मेन था और कितना मैंने सिम का एक्स्ट्रा यहाँ पे, मतलब सारे चारों साइड में रखा हुआ है। तो इस तरह से मैंने ये फैब्रिक लिया है और इसको इस तरह से फोम सीट पे लगा दिया है।
अब हम इसको आल पिंस से लॉक कर लेते हैं, पिंस लगा देते हैं, एक पिन लगा देंगे और यहाँ से इसको लॉक कर देंगे। बिल्कुल सही से हैं ये, और इसी तरह से यहाँ पे हम आल पिंस लगा देते हैं। और इस तरह से पिन से लॉक करने के बाद हम इसके चारों ओर से एक सिलाई निकाल देते हैं। हम ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये वाली साइड, हम इसके चारों तरफ में यहाँ पे एक एक सिलाई जो निकाल देते हैं, जहाँ पे कि हमारी बिल्कुल फोम सीट के बिल्कुल पास पास में इसको सील देते हैं, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। देख सकते हैं मैंने फोम सीट के चारों तरफ में और इस तरह से फैब्रिक अटैच कर लिया है दोनों साइड के अंदर, आप देख सकते हो। और अब हम इसके जिप लगाएंगे। सबसे पहले इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, तो ये डबल फोल्ड हो गया ना इस तरह से। अब मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ इसको, ये देखिए। और जो ये ऊपर की साइड है ना, यहाँ पे हम जिप लगा देंगे इसके ऊपर की साइड में। तो ये मैंने जिप लिया है सेम कलर का, और जिप को देखिए यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे, ठीक है ना। और एक सिलाई लगाने के बाद इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। ऐसे सिलाई लगाया, देखिए ऐसे सिलाई लगाने के बाद ये इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से जिप का ये साइड हम और नीचे की साइड में लगा देंगे। इसके दोनों साइड में जिप लगा देते हैं, एक साइड को इस तरफ और एक साइड को उस तरफ में, दोनों साइड को हम ऐसे स्टिच कर लेते हैं, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ। ये वाला साइड नीचे की तरफ और जिप का ये वाला साइड ऊपर की तरफ स्टिचिंग ले लेते हैं। एक सिलाई यहाँ और एक सिलाई इसके साथ में यहाँ। यहाँ पे मैंने जिप को स्टिच कर दिया है, एक पार्ट से इसके साथ में, एक पार्ट से इसके साथ में और इस तरफ में। अब ये एक पट्टी लेंगे और इस पट्टी को हम, एक पट्टी को हम जिप के ऊपर ऐसे लगाएंगे, जैसे ये नीचे की साइड है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे इस तरह से पट्टी लगाएंगे और लगाने के बाद और इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। इस तरफ में ये फोल्ड हो जाएगी। इसी तरह से जिप के इस तरफ में और इस तरफ में ये वाली पट्टी लगा करके इसको फोल्ड कर देंगे। तो ये ऐसे देखिए ऐसे लग करके और ऐसे फोल्ड हो जाएगी। इस तरह से ये जिप लॉक हो जाएगा। इसकी जो सिलाई ओपन है वो यहाँ पे नहीं दिखाई देंगी, ये लॉक हो जाएगी। सकते हो मैंने यहाँ पे पट्टी लगा करके इसको स्टिच कर दिया है। अब हम इसको ओन कर लेते हैं, धीरे धीरे करके हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और ये मैंने इसको ऑन कर लिया है। तो अभी आप देख सकते हो ये जिप यहाँ पे स्टिच हो गया है। अब हम इस जिप को इस तरह से खोल के चेक कर लेते हैं, ये बिल्कुल सही से स्टिच हो गया, आसानी से ये बंद हो रहा है। अब आप इस तरफ से ये देख सकते हो, इसको मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया था और जिप अच्छे से स्टिच हो रहा है। तो इसका जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसको हम कट कर देते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कट कर देती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा था मैंने उसको कट कर दिया है, और इस तरफ में भी जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देते हैं। तो ये जिप एक्स्ट्रा कट हो गया है। अब हम दोनों पार्ट्स को इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो इसको हम फिर से उल्टा कर लेते हैं। तो मैंने इसको उल्टा कर लिया है ये, और अब इस पार्ट्स को मैं इस पार्ट्स में स्टिच करना है। देखिए इस तरह से, देखिए आप ये वाले जो साइड है इस पे हम इस साइड को ऐसे रखेंगे और एक सिलाई लगा देंगे, ठीक है। ठीक इसी तरह से इस वाली साइड को हम और इसके ऊपर यहाँ पे रखेंगे
और एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगा लेते हैं तो भी आप देख सकते हो मैंने इस तरफ भी इसको सिल दिया, इस तरफ भी इसकी सिलाई लगा दी है। अभी एक पट्टी लेंगे और इस पट्टी को हम यहाँ पे ऐसे इसकी स्टिचिंग लेंगे और स्टिचिंग लेने के बाद इसको हम इस तरह से और फोल्ड कर देंगे नीचे की ओर, इसको हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से। हम इसकी पट्टी यहाँ पे स्टिचिंग लेकर के फोल्ड कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसको स्टिच कर दिया है और अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से अंदर की ओर और इसकी ऐसे एक हाथों से सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे ये सिलाई लॉक हो गई ना, और इसी तरह से ये जो दूसरी साइड है यहाँ पे आप देख सकते हो इसको भी मैंने यहाँ पे स्टिच कर दिया है। इसको अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इसको ऐसे हम हाथों से स्टिचिंग कर देंगे। तो दोनों साइड हमारी लॉक हो गई है इसको, तो ये साइड भी लॉक कर दी है और ये साइड भी लॉक हो गई है। अब हम इसको यहाँ से लेंगे, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक इसकी स्टिचिंग दे देंगे यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद इस कॉर्नर्स को भी हम इसी तरह से ऐसे एक स्टिचिंग ले लेते हैं और ठीक इसी तरह से इस कॉर्नर्स को भी हम इस तरह से मिलाएंगे। 2 इंच इस तरफ है, 4 इंच इस तरफ है, एक सिलाई लगा देंगे और ठीक इसी तरह से ये हमारी लास्ट कॉर्नर की होगी। यहाँ पे भी हम इसकी एक सिलाई ऐसे लगा देते हैं। तो ये हम चारों सिलाई लगा देते हैं, एक इस तरफ की, एक इस तरफ की, बस ये जो कॉर्नर है ना यहाँ से पकड़ना है और बस सीधा इसके एक सिलाई यहाँ पे निकाल देनी है। तो आप देख सकते हो मैंने चारों स्टिचिंग कर ली है, इस तरफ की और ये वाली, इस तरह से मैंने चारों सिलाइयाँ कर ली है। अब इस तरह की पट्टी लेंगे और यहाँ पे हम इसको स्टिचिंग करेंगे और जैसे ये सिलाइयाँ लॉक किया ना हमने, इसी तरह से हम इस सिलाई को भी लॉक कर देंगे, जो एक्स्ट्रा धागे उनको हटा देंगे और इस तरह से एक सिलाई लगाएंगे। मैं दिखाती हूँ आपको लगा करके। तो यहाँ पे मैंने इसको स्टिच कर दिया है। अब इसको हम देखिए इस तरह से करेंगे और इसको देखिए क्या करेंगे कि पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इस तरफ वाली पट्टी को भी हम ऐसे फोल्ड कर देंगे और इसको अंदर की ओर फोल्ड करके ऐसे, ठीक है, और फिर हम इस पट्टी को यहाँ पे ऐसे इसकी स्टिचिंग ऐसे ले देंगे। तो ये जो सिलाई है यहाँ पे ऑफ हो जाएगी ना, तो इसको अच्छे से फिनिशिंग करके और यहाँ पे इसको सील देंगे। तो आप देख सकते हो मैंने सभी सिलाइयों को लॉक कर दिया है, इस तरफ भी और इस तरफ को भी ये लॉक कर दिया है। और अब हम इनको ऑन कर लेते हैं। तो इसको हम इस तरह से ऑन कर लेंगे, सिलाइयों को अंदर डाल देंगे और फर्श को ऑन कर लेंगे। तो ये मैंने इसको ऑन कर लिया है। तो अभी आप देख सकते हो इसका हम जिप लॉक करते हैं और इसको चेक करते हैं, बिल्कुल से सही है, ओके है। तो अब हम इसके जो बेल्ट है वो लगा लेते हैं। अब मैंने ये प्लास्टिक का पाइप लिया है और ये मैंने डोरी की तरह इसको 1 इंच की सिलाई कर दिया है और इस डोरी के अंदर हम प्लास्टिक के पाइप को इंसर्ट कर देंगे इस तरह से। इस तरह से आपका जो पाइप है ना, जितनी आप इसकी जो बेल्ट रखना चाहते हो ना पाइप की, तो वो आप तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 22x22 के ये बेल्ट तैयार करी है। आप 20 की रख सकते हो, 18 इंच के रख सकते हो, 22 के भी रख सकते हो। तो जितनी आपको बड़े चाहिए ना उसके अकॉर्डिंग आप इस तरह से बेल्ट रखिए और उसकी थोड़ी सी पार्ट्स जो कपड़े का बेल्ट है ना उसको एक्स्ट्रा रखें और यहाँ पे सिलाई कर दे उसको। तो यहाँ पे हम दोनों बेल्ट को दोनों साइड में स्टिच कर देंगे और इसके बाद में हम इसके ऊपर कोई भी पैटर्न लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं हाथ से इसकी स्टिचिंग ले रही हूँ और इसके बाद में मैं इसके ऊपर कोई भी पैटर्न लगा दूँगी। तो यहाँ पर साइड कॉर्नर से आप 3 इंच की दूरी पर इस बेल्ट को स्टिच करेंगे और दूसरे कॉर्नर से भी 3 इंच की दूरी पर आप इस बेल्ट को यहाँ पर स्टिच कर देंगे। तो एक तरफ का आपका बेल्ट इस तरह से तैयार हो जाएगा।
या पिलोक हो गया। इसी तरह से देखिए दूसरे साइड का भी मैंने 3 इंच की दूरी पे ही लगा दिया है। और अब हम इसके ऊपर में कोई भी पैटर्न लगा सकते हैं, कोई भी फ्लावर लगा सकते हैं, कोई भी डायमंड लगा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे ना वो आप यहाँ पे इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने ये फ्लावर लिए हैं, इसको भी मैं लगा सकती हूँ। और ये देखिए ये बड़े बड़े पत्तियाँ हैं ना, इस तरह की भी आप उस पर लगा सकते हो। तो जो भी आपको अच्छे लगे ना वैसे आप लगाएं, जो भी आपके पास में हो अवेलेबल हो तो उनका आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमारी जो हैंड बैग है वो बन करके बहुत ही इजीली से तैयार हो गई है, ज़्यादा सिलाइयाँ भी नहीं होती है। और आज कोई भी फैब्रिक आप इस पर यूज कर सकते हो, प्रिंटेड या फिर प्लेन। तो आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हमारी हैंड बैग बन करके बहुत ही खूबसूरत बन करके तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।